दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत दिनों के बाद बात करने आया हूँ और मुझे ऐसा लगा मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए कि अगर कोरोना के चलते कुछ लोगों की नौकरी चली गई है तो उनको कैसे अपने आप को सेटल करना चाहिए या नौकरी की तैयारी कैसे करनी चाहिए दोबारा, क्योंकि मार्केट के अंदर अब अवेलेबिलिटी कम है, जॉब कम है, रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन फिर भी जॉब तो मिल ही रही है। इसलिए अपने आप को तैयार कैसे करें, हम अपने आप को कैसे आगे रखें सबसे ताकि हमें प्रेफरेंस मिले। तो जब नौकरी चली जाती है तो सबसे पहले तो हम लोग नेगेटिविटी में चले जाते हैं, बहुत पॉजिटिविटी कम हो जाती है, लेकिन हमारे दिमाग में नकारात्मक सोच आने लगती है। लेकिन हमें इससे बाहर कैसे आना चाहिए, क्योंकि जब जॉब नहीं होती तो घर में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। कुछ घरों में तो एक ही व्यक्ति होता है कमाने वाला, और अगर उसकी नौकरी चली जाए तो उसको घर में जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हम जितनी जल्दी हो सके दोबारा नौकरी पर चले जाएं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। शांत दिमाग से आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना है और उस तरफ काम करना है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। दिन में हम काफ़ी जगह पर अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन अगर हम शांत मन नहीं होगा और पैनिक हो जाएंगे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद हमारे को अपना रिज्यूमे अपडेट करना है, और वो इस तरीके से अपडेट करना है कि हमारा रिज्यूमे सबसे पहले रिक्रूटर पढ़े। उस रिज्यूमे में क्या करना होता है, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, जो हमारी प्रोफाइल होता है, समरी होती है, उसको सबसे पहले हम ऊपर अपने रिज्यूमे में डालेंगे। जितना आपका एक्सपीरियंस है उसके शॉर्ट समरी बनाई जाएगी। उससे पहले आपने उस समरी को सबसे पहले डालने के बाद में आप अपने एक्सपीरियंस को डालेंगे। एक्सपीरियंस जो करंट कंपनी थी आपकी, उस कंपनी को आप हाईलाइट करेंगे कि आप कब से वहाँ काम कर रहे थे और कब तक मतलब आपने काम किया है। इसलिए रिज्यूमे को अपडेट करने के लिए आपको फिर उसके बाद जितने एक्सपीरियंस आपने काम करते गए वो एक्सपीरियंस उसमें डालना है। जितना आप ज़्यादा अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। रिक्रूटर की नज़र वहीं पड़ती है कि वो जो रिज्यूमे आता है उसको सिर्फ वो 7 सेकंड के लिए देखता है। जहाँ उसकी आई कैचिंग रिज्यूमे हुआ तो वो आगे निकल जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रिज्यूमे ठीक नहीं है तो शॉर्टलिस्ट होने में बहुत मुश्किल होती है। आपका कितना भी एक्सपीरियंस है वो धरा रह जाएगा। आपका रिज्यूमे आपको नौकरी दिलाता है, ये आप सोच के चलिए कि रिज्यूमे अच्छे से बनेगा तो आपको जो नौकरी मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए उसके अंदर आपने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो आपने एक्सपीरियंस के साथ काम किया हुआ है, और जो काम जो naukri.com पे या किसी भी जॉब पोर्टल पे कीवर्ड्स होते हैं वो यूज करें, और जिससे ज़्यादा जल्दी रिक्रूटर की नज़र में आए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है जॉब के लिए। जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं या उससे रिलेवेंट वैकेंसीज होती हैं उन पे अप्लाई करना है, क्योंकि जॉब पोर्टल्स बहुत हैं, टाइम जॉब है, naukri.com है, और भी जॉब पोर्टल्स हैं, वहाँ पर आपको मैक्सिमम वैकेंसीज को देखते हुए अपनी रिज्यूमे को अपडेट करके डालना होता है। जितनी ज़्यादा जगह आप डालेंगे उतनी ज़्यादा आपको चांसेस मिलेंगे, इंटरव्यू के चांसेस मिलेंगे। जितने ज़्यादा आप इंटरव्यूज फेस करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांस नौकरी मिलने के होंगे। अगर आप 4-5-10 जगह पर डालकर भूल जाएंगे तो चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके रिज्यूमे हर जॉब पोर्टल पर हो, हर जगह पर आप उसको अपलोड कर दें। चाहे आप अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पर भी लगा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें। दूसरा, आपके जितने चाहने वाले हैं, जितने वेलविशर हैं, जितने नौकरी में लोग काम करते हैं सीनियर पोजीशन पर है, आप उनको भी भेज सकते हैं ताकि वो अपने रेफरेंसेस के पास आपका रिज्यूमे भेज दें। इससे आपके नौकरी मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हमारा रिज्यूमे ज़्यादातर लोगों को मिलता है ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं पर इस्तेमाल कर सकें वो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छी सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन नौकरी जाने के बाद में जो आपके पास कॉल्स आती हैं वो कम सैलरी के लिए आती हैं। आपको सैलरी पे उतना फोकस नहीं करना है। 10% 20% 30% अगर भी कम मिलती है तो आपको जॉब ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप जॉब सर्च करेंगे जॉब करते हुए तो ज़्यादा ईजी रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको फोकस नौकरी पर करना चाहिए, ना कि सैलरी के बजट पर करना चाहिए, क्योंकि आज कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग घर बैठे हैं और नौकरियाँ ही मिल रही है। तो सबसे पहले तो आप लक्की समझिए अपने आप को कि आपको नौकरी मिल रही है, आपको काम मिल रहा है। आप काम करते रहेंगे, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी तो आप स्विच कर सकते हो, लेकिन घर बैठकर नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इससे कॉन्फिडेंस में काफ़ी कमी आती है। इसलिए आपका फोकस नौकरी पर रहना चाहिए, ना कि सैलरी पर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने बहुत जगह अप्लाई कर दिया
कोई कॉल नहीं आ रही आपके पास। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 दिन तक कॉल नहीं आती तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा रिज्यूमे रिजेक्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है, आपको उन्हीं कंपनीज को जहाँ जहाँ आपने अप्लाई की है उनके डायरेक्ट मेल करनी चाहिए, उसको मेल करके दोबारा रिमाइंड कराना चाहिए। अगर आपके पास उनका रिक्रूटर का नंबर है तो आपको व्हाट्सअप करते रहें, कॉल्स करते रहें, मेल करते रहें, ताकि आप उनको फॉलोअप करते रहेंगे तो उनके माइंड में भी रहेगा यस एक जेन्युइन पर्सन है, जॉब की रिक्वायरमेंट भी है और उसका प्रोफाइल जो है वो हमारे से रेलिवेंट है, तो वो आपको कॉल भी करेंगे, आपका इंटरव्यू फिक्स करेंगे। लेकिन रिज्यूमे भेजकर आपको सोना नहीं है, रिज्यूमे भेजकर आपको उनको फॉलोअप भी करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत काम किया होता है, अलग अलग प्रोफाइल में काम किया होता है, इसलिए जब भी आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें उस वैकेंसी के हिसाब से अपना रिज्यूमे अपडेट कर लें। अगर आप सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के लिए कर लें, अगर आप एडमिन के लिए कर रहे हैं तो एडमिन के लिए कर लें, अगर आप फैसिलिटी के लिए कर लें तो उस हिसाब से अपने रिज्यूमे में हाईलाइट करें अपने एक्सपीरियंस को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलेगा इंटरव्यू फेस करने का। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि रिज्यूमे अपडेट होकर जाना चाहिए। इसके बाद जब भी आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आए, वीडियो कॉल हो या फिजिकल इंटरव्यू हो, दोनों टाइम में आपको फेस करने के टाइम पे आपको स्माइल रखना है, फेस पे स्माइल रखना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि स्माइल जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी, आपको लगेगा कि आपके अंदर जोश है तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी लगेगा कि ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड और उसको काम भी आता है। अगर आप दुखी मन से जाएंगे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो शायद हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी रह जाए, जिससे आप जो बात करना चाहते हैं वो भूल जाएंगे, आपको अपना एक्सपीरियंस के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप बताना होता है वो नहीं याद रहेगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप स्माइल अपने फेस पे रखेंगे तो आपका माइंड पॉजिटिव होगा, उसकी वजह से आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे हैं रिक्रूटर या इंटरव्यूअर को अच्छा लगेगा और वो हो सकता है उसको भी पॉजिटिव ले। इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं तो कभी भी आप उनके सामने झूठ ना बोलें, जो काम आपने किया है उसी को एक्सप्लेन करें, उसी एक्सपीरियंस को आप बताएं जो आपने किया होता है, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जो आपको नहीं पता होगा। इसलिए कभी भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें, ईमानदारी से इंटरव्यू फेस करें। इंटरव्यू देने के टाइम पे आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखना है और आपकी वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू तरीके से उस बात को सुन सके जो आप कह रहे हैं। जब भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, अपने काम के बारे में बता रहे होते हैं, तो आप धीरे धीरे बताएं, स्पीड में ना बताएं। स्पीड में बताएंगे तो इतना हेक्टिक हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा, ना तो उसको समझ में आएगा ना आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और आप स्टेप बाय स्टेप बताएं, अगर आप एडमिन में काम कर रहे हो उसके बारे में, या किसी भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो आप, एक्सपीरियंस को आप बहुत धीरे धीरे उनको बताएं, ताकि उनको समझ आए कि आप क्या कर रहे थे। इंटरव्यू ख़त्म होने के टाइम पे आप अपने इंटरव्यू लेने वाले को थैंक यू बोलें, गुड बाय बोलें, गुड डे बोलें और स्माइलिंग फेस से वहाँ से विदा लें। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको लगेगा कि आपका इंटरव्यू बिल्कुल ठीक गया है। ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत भी थी और बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू फेस करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 साल कंपनी में काम करने के बाद भी उनको फायर कर दिया गया है, क्योंकि बजट की कमी थी, पैसे की कमी थी, कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि 10 साल तक मैंने काम किया है तो अब मैं कैसे करूँगा, क्योंकि बड़ा कम्फर्ट जोन में चला जाता है इंसान जब वो 8-10 साल तक काम करता है। कोशिश ये करनी चाहिए प्रीवियस एक्सपीरियंस जो 10 साल आपने किया उसको भूल जाइए, इंटरव्यू को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करिए। और इंटरव्यू के टाइम पे आप दिमाग में ना रखें कि मुझे 10 साल काम करना है, आप हो सकता है 2 महीने के लिए काम करना हो या 6 महीने के लिए काम करना हो। पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहती कि हम नौकरी लें, जो भी हमें मिल रही है अच्छी नौकरी उसको एक्सेप्ट करें और काम करना शुरू करें, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा होता है नौकरी करना, और नौकरी करने के टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी, आपको मौका मिलेंगे 1 साल बाद, 6 महीने बाद और मौके मिलेंगे। अगर आप अपना रिज्यूमे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप जाकर लिख सकते हैं और मेरे लास्ट वाले पेज पर भी आपको मेरा नंबर मिलेगा, यू कैन कॉल मी ऑन दैट और यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू।